हेलो एंड नमस्ते टू ऑल माय डियर फूडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी रेस्टोरेंट स्टाइल वेज कोल्हापुरी। वेज कोल्हापुरी काफ़ी सारे वेजिटेबल्स की रेसिपीज़ होती है जिसे थिक स्पाइसी ग्रेवी में बनाया जाता है। अब ये कोल्हापुर की फेमस रेसिपी है तो जाहिर सी बात है ये स्पाइसी तो होगी ही। तो जब भी आपके घर में कोई भी फंक्शन हो या छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर, आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कोल्हापुरी वेज के लिए हम सबसे पहले रेड चिली पेस्ट बनाएंगे। सबसे पहले लेंगे 12 से 15 सूखी लाल मिर्च और अब इन सब के स्टेम को निकाल लेंगे इस तरीके से। अब तीखापन कम करने के लिए इनकी सारी सीड्स को भी हम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये अच्छे से साफ हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे गर्म पानी और 20 मिनट के लिए इसे भिगो कर रख देंगे। चलिए जब तक ये सोक हो रहा है हम ऑथेंटिक कोल्हापुरी वेज मसाला तैयार कर लेते हैं। कोल्हापुरी वेज मसाले के लिए हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया, 1 टेबलस्पून सेसमी सीड्स या वाइट तिल, 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स जिसे हम खसखस भी कहते हैं, कुछ खड़े मसाले जिनमें हम लेंगे 4-5 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च या ब्लैक पेपर और 3 छोटी इलायची, इसे मैंने पील करके लिया है, 1/2 टेबलस्पून नमक और लास्ट में ऐड करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि घिसा हुआ सूखा नारियल। आप मार्केट से इसे परचेज कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास सूखा नारियल हो तो आप इसे कद्दूकस करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब को 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका एक फाइन मसाला रेडी कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये दरदरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपका ऑथेंटिक वेज कोल्हापुरी मसाला बन के बिल्कुल रेडी है। अब रेड चिली पेस्ट भी रेडी कर लेते हैं। तो सारे सोक्ड रेड चिली को ग्राइंडर में ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब इसका एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे, बिल्कुल फाइन होना चाहिए, आप देख सकते हैं। चलिए अब वेज कोल्हापुरी के लिए बेस ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। रेस्टोरेंट्स में भी इसी ग्रेवी का यूज़ किया जाता है। तो जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बटर। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे रफली चॉप्ड अनियन, ये मैंने 2 प्याज लिया है, 2 रफली चॉप्ड टमाटर, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1 टेबलस्पून अदरक जिसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 5 से 6 ऐड करेंगे इसमें काजू और लास्ट में ऐड करेंगे 2 रफली चॉप्ड ग्रीन चिली। ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं अगर आपको वो रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट चाहिए तो। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से गल जाए तो इसे ग्राइंडर में निकाल लेंगे और बिल्कुल फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। चलिए अब ऑथेंटिक वेज कोल्हापुरी की ग्रेवी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1/2 टीस्पून बटर। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा, 2 इंच दालचीनी और 2 तेजपत्ता। अब इसमें ऐड करेंगे 2.5 टेबलस्पून रेड चिली पेस्ट जो हमने पहले ही रेडी कर लिया था और अब ऐड करेंगे अपनी बेस ग्रेवी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए लो हीट में हम फ्राई करेंगे। याद रखिए रेस्टोरेंट स्टाइल कोई भी डिश लो हीट पे ही बनाई जाती है जिससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जब तक ये फ्राई हो रहा है हम कुछ सूखे मसाले रेडी कर लेते हैं। एक बोल में ऐड करेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली, 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर और लास्ट में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कोल्हापुरी मसाला जो हमने रेडी कर लिया था। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब इस मसाले को हम फ्राई हो रहे कोल्हापुरी ग्रेवी में ऐड कर देंगे।
इसे करेंगे मिक्स। इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक। चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 5-10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं। जब तक ये फ्राई हो रहा है, हम सारी सब्जियां रेडी कर लेते हैं। सब्जियों में हमने लिया है 1/2 कप फूल गोभी, 1/2 कप पनीर, 2 आलू जिसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून बीन्स, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, इसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में डायमंड कटिंग भी कहते हैं, 1/2 कप हरे मटर के दाने, ये फ्रोज़न पीस हैं, 2 टेबलस्पून रेड बेल पेपर, 2 टेबलस्पून येलो बेल पेपर, 2 टेबलस्पून ग्रीन कैप्सिकम, थोड़ा सा मशरूम, ये ऑप्शनल है, अगर ये आपको पसंद नहीं है तो आप इसे ऐड ना करें, 1/2 कप बेबी कॉर्न्स और 1 प्याज, इसके भी फ्लोरेट्स को आप इस तरीके से अलग कर लेंगे। अब इसमें से जो सब्ज़ी आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाए आप उसे ही यूज़ करें, पर ऑथेंटिक टेस्ट के लिए ये सारी सब्ज़ियाँ ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले आलू। इसे पूरा फ्राई नहीं करना है, आप देख सकते हैं मैंने इसे इस स्टेज पे बाहर निकाल लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे गोभी, इसे भी 2-3 मिनट तक ही फ्राई करेंगे। अब सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम बीन्स, पनीर और बेबी कॉर्न्स को भी फ्राई कर लेंगे। चलिए अब एक फ्राइंग पैन में अपनी बाकी की सब्जियां भी रोस्ट कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, मटर, मशरूम, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और ग्रीन कैप्सिकम। इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और अब इसमें अपनी बाकी की सब्जियों को जो हमने डीप फ्राई करके रख ली थी उसे भी ऐड कर लेंगे। अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैंने सारी यूटेंसिल्स कास्ट आयरन की यूज़ की हैं, तो अगर आप भी इसे परचेज करना चाहें तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। कास्ट आयरन हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और रेसिपीज़ के 100% टेस्ट को भी रिटेन करता है। तो चलिए अब इसमें ऐड करते हैं 1 टेबलस्पून रेड चिली पेस्ट जो हमने प्रिपेयर कर लिया था, 2 टेबलस्पून कोल्हापुरी मसाला और 1 टीस्पून नमक। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कवर करके 5 मिनट तक इसे रोस्ट करेंगे। चलिए अब एक बार फ्राई हो रहे कोल्हापुरी ग्रेवी को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फ्राई हुआ है, ऑयल भी बहुत अच्छे से रिलीज़ हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अब क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे, इसे ओवर कुक हमें नहीं करना है। अब वेजिटेबल्स भी हमारे काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब इस स्टेज में इसके ऊपर ऐड करेंगे हम अपनी थिक स्पाइसी कोल्हापुरी ग्रेवी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और फ्रेश धनिया की पत्ती। इसे मिक्स करेंगे और कवर करके 2 मिनट तक कुक करेंगे। अब लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून फ्रेश क्रीम। इसे मिक्स करेंगे और कवर करके 1 मिनट तक और कुक करेंगे। अब ये बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर। अब क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल वेज कोल्हापुरी बना रहे हैं तो इसमें देंगे एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर। ये स्टेप मेरा पर्सनल फेवरेट है। अब एक छोटा सा बोल बीच में रख लेते हैं इस तरीके से। अब कोल को अच्छे से पहले जला लेंगे, हीट कर लेंगे। अब इसे ऐड करेंगे बोल के अंदर और इसके ऊपर जाएगा 1/2 टीस्पून घी या बटर। अब इसे फटाफट 5 मिनट के लिए कवर कर लेते हैं।
इससे इसका सारा स्मोकी फ्लेवर आपकी रेसिपी में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, इसे बाहर निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट बना है ये वेज कोल्हापुरी। आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल वेज कोल्हापुरी बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे मैंने सर्व किया है होममेड तंदूरी रोटी के साथ। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे बहुत ही जल्दी डालूंगी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ये आपको कैसा लगा। ऐसे ही इजी होम स्टाइल, ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक और सिंपल, इंटरेस्टिंग और यमी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।